2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इस बीच बता दें कि उत्तराखंड कांग्रेस की तरफ से पहली सूची जारी कर दी गई है, जिसके बाद अब दूसरी सूची भी जारी की गई है और इसमें 11 प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है। वहीं ये भी बता दूं कि उत्तराखंड में इस बार हरीश रावत के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है कि मुख्यमंत्री का चेहरा हरीश रावत ही होंगे, लेकिन जिस तरह से इस बार रणनीति हरीश रावत तैयार कर रहे हैं, इस तरह से पूरी तरह से देखा जा रहा है कि हरीश रावत के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जा रहा है। हालांकि ये बातें भी सामने आई थी कि उत्तराखंड में सोनिया गांधी ही अब पूरी तरह से रणनीति बनाएंगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस बार अब फिर से हरीश रावत ही पूरी रणनीति तैयार कर रहे हैं। हालांकि जब टिकट जारी किया गया है, जब उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है, उसमें कई ऐसे नाम है जिसको टिकट नहीं दिया गया है, कई ऐसे नाम है जिसको पहली बार टिकट भी दी गई है। हालांकि कुछ दिनों पहले ही बीजेपी में शामिल हुए, कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए, उसके बाद बीजेपी से फिर कांग्रेस पार्टी में आए हरक सिंह को लेकर भी लगातार चर्चाएं तेज थी कि उन्हें टिकट दिया जाएगा, लेकिन हरीश रावत ने उन्हें टिकट नहीं दिया है और ना ही उनकी बहू को भी टिकट दिया है। ऐसे ही कई नेता हैं जिन्हें टिकट नहीं मिला है, जिस वजह से अब बवाल मच गया है उत्तराखंड में। बता दूं कि फरवरी में उत्तराखंड में चुनाव होंगे, 14 फरवरी को मतदान है और मतदान के बाद 10 मार्च को मतगणना होगी। उसके बाद जो है पूरी तरह से साफ हो जाएगा कि आखिर उत्तराखंड में किसकी सरकार बनी है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।